ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं अंक शास्त्र के अनुसार आज का दिन आपके लिए कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक, कार्य क्षेत्र में आज परिश्रम अधिक रहेगा परंतु आपको अपनी मेहनत के संतोषजनक परिणाम भी प्राप्त होंगे। सरकारी नौकरी में मनोवांछित जगह पर स्थान परिवर्तन मिलने की संभावना है। उपाय करें, लाल मुंह वाले बंदरों को चने खिलाएं। अगली मूलांक संख्या है मूलांक दो, तो विद्यार्थियों के लिए तो आज का दिन उत्तम रहेगा, उनका मन पढ़ाई में लगेगा, परीक्षा में परिणाम भी मनोवांछित मिलेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उन व्यक्तियों को नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे। जीवन साथी के साथ चल रहा मतभेद आज दूर होगा। उपाय करना है, चांदी के पात्र में दूध पिएं। मूलांक तीन, परिवार के साथ विदेश घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। के स्रोत में वृद्धि होगी, जीवन साथी का हर क्षेत्र में सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार में बहुत दिनों से अगर लंबित कार्य है तो पूरा करने में सफलता भी मिलेगी। उपाय करना है, चने की दाल मंदिर में दान करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक चार, तो आज इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थी अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए नई जानकारी प्राप्त करेंगे। संतान विदेशी भाषा सीखने की इच्छा आपके सामने रख सकती है। बदलते समय के साथ आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। उपाय करें, मंदिर में मूली दान करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक पांच, तो परिवार के किसी सदस्य के द्वारा बोली गई बात आज आपको थोड़ी व्यथित कर सकती है। किसी नए काम को क्रियान्वित करने के लिए आज का दिन तो अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से हानि उठानी पड़ सकती है। उपाय करें, मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। अगली मूलांक संख्या है मूलांक छह, कारोबार में आमदनी बढ़ने की संभावना परंतु खर्चों पर अंकुश लगा पाने में सफलता नहीं मिल पाएगी। नौकरी में कुछ महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए ओवरटाइम काम करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों की रुचि रचनात्मक कार्यों में होगी। उपाय भी करें, सफेद चंदन का टीका लगाएं। अगले मूलांक संख्या है मूलांक सात, तो आज अपनी परेशानियों को मित्रों के साथ साझा करेंगे। आप यात्रा करते समय अपने सामान का भी ध्यान रखना है। अपनी महत्वपूर्ण कारोबारी योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें, पीठ या घुटनों का दर्द परेशान कर सकता है। उपाय करना है, मंदिर की छत पर एक तिकोना झंडा लगाएं। मूलांक आठ के जातक, आज प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में लाभ दिख रहा है। कारोबार के लिए कुछ नए उपकरण खरीदने में भी पैसा व्यय होगा। काम में व्यस्तता के बावजूद परिवार के साथ उचित समय व्यतीत कर पाएंगे। कारोबार में प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ेगा। उपाय करें, उड़द की दाल जल में प्रवाहित करें। मूलांक नौ के जातक, आज का जो दिन है वो आपके अनुकूल ही है। आज खुद को ऊर्जा और जोश से भरा तो महसूस कर रहे हैं आप। कार्य क्षेत्र में आपको अपने नेतृत्व करने के गुणों को भी दिखाने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उपाय करें, नीम के वृक्ष की सेवा करें।